उत्तर व मध्य अंडमान जिला अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण जिला है। डिगलीपुर इसी जिले के तहत आने वाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर सड़क मार्ग से डिगलीपुर से जुड़ा हुआ है। डिगलीपुर पहुंचने के लिए पोर्ट ब्लेयर से लगभग 8 से 10 घंटे का समय लगता है। द्वीप समूह के उत्तर में स्थित होने के कारण और अन्य पड़ोसी देशों की सीमाओं से नजदीक होने के कारण इसकी सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में पर्यटन की दृष्टि से इन क्षेत्रों का तेजी से विकास हुआ है। इन क्षेत्रों में लोगों की समस्याओं से रूबरू होने और विकास परियोजनाओं की समीक्षा के लिए द्वीप प्रशासन के मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण ने हाल ही में डिगलीपुर का 3 दिवसीय दौरा किया। मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण विशेष हेलीकॉप्टर से डिगलीपुर के VS पल्ली हेलीपैड पहुंचे। वहां पर उत्तर व मध्य अंडमान जिले की उपायुक्त डॉक्टर एंजल भाटी चौहान, पुलिस अधीक्षक विचित्र वीर और प्रशासन के अन्य अधिकारियों ने मुख्य सचिव का स्वागत किया। वे अधिकारियों से मिले और उनका उत्साह बढ़ाया। अधिकारियों से मिलने के बाद मुख्य सचिव ने कल्पोंग डैम का निरीक्षण करने हेलीकॉप्टर से रवाना हुए। खराब मौसम के बावजूद मुख्य सचिव और उनकी टीम ने कल्पोंग डैम जाकर मुआयना किया। उन्होंने उपायुक्त और अन्य अधिकारियों से बातचीत करते हुए बिजली उत्पादन में दक्षता सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्य सचिव ने उपायुक्त को निर्देश दिया कि जिले में सभी बिजली जनरेटर सेटों और प्रति लीटर जनरेटर डीजल की मात्रा की जांच करें। उन्होंने डैम को देखने के बाद संबंधित अधिकारियों को डैम के आसपास के स्थलों को पर्यटकों के लिए पिकनिक स्पॉट बनाने के वास्ते संभावित स्थलों की पहचान करने का निर्देश दिया।
कालपोंग डैम का निरीक्षण करने के बाद मुख्य सचिव रामनगर तट में इको टूरिज्म स्थल भी गए। उनके साथ जिला उपायुक्त डॉक्टर एंजल भाटी चौहान और अन्य अधिकारी भी साथ थे। रामनगर का यह तट प्राकृतिक खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का स्वच्छ पानी सैलानियों को इस स्थल पर आने के लिए आकर्षित करती है। तट के आसपास इको हट भी बनाए गए हैं ताकि आगंतुक प्राकृतिक नजारों का लुत्फ उठा सके। संबंधित विभागों की ओर से तट को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए कई उपाय भी किए जा रहे हैं। श्री जितेंद्र नारायण संबंधित अधिकारियों से सागर तट पर आगंतुकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं के अलावा संभावित सुविधाओं के बारे में पूछताछ की। उन्होंने तट के और अधिक सौंदर्यकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को सलाह भी दी। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि राजमार्ग के विस्तार के लिए फलदायक पौधों और फूलों के पौधों के प्लांटेशन का प्रस्ताव करें। पर्यटक स्थल का जायजा लेने के बाद मुख्य सचिव अंडमान लोक निर्माण विभाग द्वारा SAGY के तहत रामनगर में RCC पुल के निर्माण स्थल का दौरा किया। तत्कालीन सांसद विष्णु पदरे ने इस पुल के निर्माण के लिए आधारशिला रखी थी। मुख्य सचिव ने पुल के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए गए पत्थरों की गुणवत्ता का निरीक्षण किया और उपायुक्त डॉक्टर एंजल भाटी चौहान और पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि परियोजनाओं के निर्माण के लिए इस्तेमाल हो रही सामग्री की गुणवत्ता की जांच करें। इस RCC पुल के निर्माण में हो रही देरी पर असंतोष व्यक्त करते हुए श्री जितेंद्र नारायण ने कहा कि इस तरह की देरियां अपराध की श्रेणी में आती हैं। इस संबंध में उपायुक्त को निर्देश जारी हुआ कि इस तरह की परियोजनाओं की देरी पर सख्त निगरानी रखें और निर्माण कार्यों में देरी पर शिकायत दर्ज करें। अधिकारियों को यह भी निर्देश हुआ कि लंबित और चल रहे कार्यों को समय सीमा के भीतर पूरा करना सुनिश्चित करें। इसके बाद मुख्य सचिव ने शिवपुर हवाई अड्डे का दौरा किया और हवाई अड्डा विस्तार परियोजना का जायजा लिया। उन्होंने इस परियोजना में देरी के बारे में भी पूछताछ की। विभिन्न कार्यों का निरीक्षण करने के बाद मुख्य सचिव ने इस संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिला उपायुक्त डॉक्टर एंजल भाटी चौहान, पुलिस अधीक्षक विचित्र वीर के अलावा विभिन्न विभागों के प्रमुख एवं प्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्य सचिव ने विभिन्न कार्यों के बारे में संबंधित विभागों से पूछताछ की और उनसे रिपोर्ट मांगी। मौके पर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को परियोजना कार्यों का समय पर पूरा करने का निर्देश भी दिया।
अपने दौरे के दूसरे दिन मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दुर्गापुर और राधानगर में आवास निर्माण कार्यों का जायजा लिया। दोनों स्थलों पर परियोजना कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के बाद उन्होंने रेखांकित किया कि सभी कार्यों को पूरा करने में विभागों का तालमेल बहुत जरूरी है। श्री जितेंद्र नारायण ने अंडमान लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में स्वसहायता समूहों की महिलाओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान महिलाओं ने उनके द्वारा तैयार किए गए हस्तशिल्प उत्पादों को मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने उत्पादों को देखने के बाद स्वसहायता समूहों की महिलाओं को सलाह दी कि वे उत्पादों की उत्पादकता तथा मूल्य संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करें। महिलाओं को इंटरनेट के इस्तेमाल करने की भी जानकारी दी गई और अपने उत्पादों के विज्ञापन के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी। स्वसहायता समूह डे केयर सेंटर भी चला रही हैं। उन्हें भी सलाह दी गई कि उनकी विपणन क्षमता में सुधार हो। मुख्य सचिव ने कहा कि स्वसहायता समूह द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को बेचने के लिए SHG हाट का प्रस्ताव किया गया है ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। मुख्य सचिव ने ग्रामीण विकास विभाग को निर्देश जारी किया कि स्वसहायता समूह के लिए ई मार्केटिंग की पहल करें और उनके लिए समय समय पर मेले आयोजित करें ताकि वे अपने हस्तशिल्पों का प्रचार प्रसार कर सकें। मुख्य सचिव ने उत्तर अंडमान की जल टेकरी मठ वॉल्कनों के क्षेत्र का दौरा किया। वहां तक पहुंचने के लिए मुख्य सचिव और अधिकारियों को खराब रास्तों को पार करना पड़ा। वहां पहुंचकर मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। अपने दौरे के दूसरे दिन मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दुर्गापुर और राधानगर में आवास निर्माण कार्यों का जायजा लिया। दोनों स्थलों पर परियोजना कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के बाद उन्होंने रेखांकित किया कि सभी कार्यों को पूरा करने में विभागों का तालमेल बहुत जरूरी है।
इसके बाद मुख्य सचिव ईस्ट आइलैंड की सतर्क पहरा चौकी के लिए रवाना हुए। सबसे पहले तटरक्षक जहाज राजकमल में मुख्य सचिव प्रवेश किए। इसके बाद उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि और मीडिया कर्मी जहाज पर चढ़ने से पहले आगंतुकों को सैनिटाइज किया गया और उनका थर्मल स्क्रीनिंग भी हुआ। कोविड 19 प्रोटोकॉल में हाथों को साफ रखना तथा तापमान की जांच भी एक प्रमुख दिशा निर्देश है। अंडमान निकोबार कमान इन दिशा निर्देशों पर अमल कर रहा है ताकि कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। जहाज पर चढ़ने वाले हर एक लोगों की जांच होती है ताकि कोई भी संक्रमित व्यक्ति ईस्ट आइलैंड तक संक्रमण को ना ले जा सके। जहाज में तटरक्षक जिला मुख्यालय नौ के कमांडेंट सोइबा मोहेंद्र सिंह ने जहाज पर मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों का स्वागत किया। जहाज पर मुख्य सचिव जहाज कर्मियों से रूबरू हुए। वे जहाज के संचालन कक्ष में गए जहां कमांडेंट और अन्य अधिकारियों ने उन्हें जहाज के संचालन प्रणालियों से अवगत कराया। ईस्ट आइलैंड पहुंचने पर पुलिस अधीक्षक विचित्र वीर ने उनकी अगवानी की। ईस्ट आइलैंड की चौकी की स्थापना वर्ष 1968 में हुई। साल 2002 के बाद किसी भी मुख्य सचिव का यह पहला दौरा है। इस दौरे में मध्योत्तर अंडमान जिला उपायुक्त डॉक्टर एंजल भाटी चौहान, जिला कमांडेंट एसएम सिंह, डिगलीपुर के सहायक आयुक्त अंकित यादव, ग्रामीण विकास निदेशक विनय कुमार जिंदल और अन्य विभागों के अधिकारी मुख्य सचिव के साथ थे। बारिश और तेज हवा के बावजूद मुख्य सचिव दुर्गम मार्ग से होते हुए पहरा चौकी पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद मुख्य सचिव को गार्ड ऑफ ऑनर पुलिस सिपाहियों की ओर से पेश की गई। मुख्य सचिव ने वहां की कार्य प्रणाली की जानकारी ली। वहां पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस सिपाहियों के लिए ठहरने, उनके लिए चिकित्सा सुविधाएं, वीएचएफ व यूएचएफ संचार उपकरण की सुविधा उपलब्ध है। पहरा चौकी पर ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों के मनोरंजन के लिए वॉलीबॉल कोर्ट भी है, जहां पुलिस कर्मी
ड्यूटी के अलावा अन्य समय में वॉलीबॉल खेलते हैं। यहाँ पर मंदिर और चर्च भी है जहाँ लोग प्रार्थना एवं पूजा पाठ करते हैं। द्वीप पर निगरानी रखने के लिए लाइट हाउस बना हुआ है जो साल 1969 से स्थापित है और एस के लाहिरी ने इसका डिजाइन तैयार किया था। मुख्य सचिव और उपायुक्त सहित अन्य लोगों ने लाइट हाउस की चढ़ाई की। कई सीढ़ियां चढ़कर वे लाइट हाउस की ऊपरी भाग पर पहुंचे। वहां से खूबसूरत नजारा देखा जा सकता है। ईस्ट आइलैंड में बिजली के लिए सोलार पैनल भी लगा हुआ है। वहां पर पुलिस कर्मियों और अधिकारियों से बातचीत करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि आने वाले दिनों में सैटेलाइट फोन्स, ड्रोन मोशन एक्टिवेटेड कैमरास जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और वहां पर राजस्व, वन एवं पुलिस जैसे बलों की तैनाती भी की जाएगी। मुख्य सचिव पुलिस कर्मियों से मिले और उनसे बातचीत की। पुलिस कर्मियों ने मुख्य सचिव को उनकी जरूरतों और चुनौतियों से अवगत कराया। श्री जितेंद्र नारायण ने इस दुर्गम क्षेत्र में दीपों को सुरक्षा प्रदान करने में पुलिस कर्मियों की सेवाओं की प्रशंसा की और उनका मनोबल बढ़ाया। मुख्य सचिव ने पुलिस कर्मियों से बातचीत की और उन्हें उपहार स्वरूप मिठाइयां भेंट की। चौकी परिसर में भारी बारिश के बावजूद मुख्य सचिव ने वृक्षारोपण किए। उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और तटरक्षक कमांडेंट ने भी पौधे लगाए। मुख्य सचिव, उपायुक्त डॉक्टर एंजल भाटी चौहान, पुलिस अधीक्षक विचित्र वीर और तटरक्षक कमांडेंट एस एम सिंह ने अपने विचार दूरदर्शन से बांटे। इट इज रियली नाइस टू विजिट दिस एलओपी टू अंडरस्टैंड द डिफिकल्टीज। कीपिंग द फ्यूचर इन माइंड, वी शुड हैव आवर एलओपीज जो टेक्नोलॉजी और ह्यूमन एफर्ट्स के मिलके होगा।
और हमारे जो एसपी साहब और डीसी साहब यहाँ से एक मॉडल बनाएंगे जो ड्रोन्स को और सैटेलाइट फोन्स का इस्तेमाल करते हुए मोशन एक्टिवेटेड कैमरा से करेंगे. वी वॉन्ट टू हैव मच मोर एलओपीज एंड टुगेदर एवरीवन विल डू दिस एज ए जॉइंट कमांड. मैं आज यहाँ पर मुख्य सचिव सर जो आए हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सर ने समय निकाला और किन परिस्थितियों में हमारे पुलिस के जवान दिन रात हमारे जो बॉर्डर्स हैं उसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, आकर उनसे मुलाकात की, उनसे बात करके उनकी दिक्कतों को समझा और बहुत सारी चीज़ें सर ने बताई हैं यहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं उनको सुधारने के लिए और भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक प्लान बनाने के लिए. तो सर के निर्देशों के अनुसार हम आगे कार्य करके और जो हमारे पहरा चौकियाँ हैं उसमें एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक अच्छी सशक्त पुलिस व्यवस्था देने का हम प्रयास करेंगे. हम टीवी में, न्यूज़ में कई बार देखते हैं कि हमारे जवान कितनी मुश्किल परिस्थितियों में हमारी सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं, बट आज यहाँ एलओपी पे आने की अपॉर्चुनिटी जब हमें मिली है तो सीइंग द वे हमारे जवान यहाँ रहते हैं, किस तरह से काम करते हैं, आई फील बोथ ग्रेटफुल फॉर their service to keep us safe and inspired to see the potential of this place. यहाँ पे बहुत scope है जिसपे हम बहुत काम कर सकते हैं and seeing their dedication and hard work inspires us to work more towards their benefit as far as for the development of the entire Andamans and for the safety of the whole country. ये जो LOP है काफ़ी हमारा protection का from protection point of view बहुत important है एंड यहाँ पे फॉरेनर्स का लैंडिंग करना एंड बाहर से जो इंट्रूडर्स और पोस्टर रहना ये कोस्ट गार्ड का भी एक रोल होता है कि उन लोगों से अलर्ट और सर्विलेंस रहना. बट हियर एलओपी में कोस्ट गार्ड इज़ सपोर्टिंग देम फॉर फेयरिंग ऑफ मैन एंड मटेरियल. जब हम लोग के जहाज़ से ये सपोर्ट देते हैं उनको और नॉट ओनली दिस हमारा जो 24/7 यहाँ पे भी हमारा पेट्रोलिंग है और हमारा भी सर्विलेंस का रडार रख के जो रिमोटली कंट्रोल भी हो जाता है. ईस्ट आइलैंड से लौटते समय मुख्य सचिव ने तटरक्षक जहाज पर आगंतुक पुस्तिका में अपने विचारों और अनुभवों को साझा किया. ईस्ट आइलैंड का दौरा पूरा कर मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण एरियल बे में तटरक्षक मुख्यालय का दौरा किया. वहां पर तटरक्षक के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका अभिवादन किया. वहां पर कमांडेंट एसएम सिंह ने कमान के विभिन्न गतिविधियों के बारे में मुख्य सचिव को बताया. वहां पर मुख्य सचिव को स्मृति चिन्ह कमांडेंट की ओर से भेंट किया गया. कमान मुख्यालय के अपने दौरे के अनुभवों को लिखा. मुख्य सचिव ने डिगलीपुर क्षेत्र में सड़क की खस्ता हाल पर चिंता व्यक्त की. इसके बाद वे अन्य अधिकारियों के साथ वर्कल बे में उपलब्ध राजस्व भूमि का उपयोग करने और आपदा प्रबंधन और पुनर्वास के लिए संपत्ति बनाने तथा रास्ते में पर्यटकों और आगंतुकों के वास्ते समुद्र तट के लिए संपर्क मार्ग बनाने का उत्तर व मध्य अंडमान जिला उपायुक्त को निर्देश दिया.
मुख्य सचिव ने सड़क की खस्ता हाल को ठीक करने के लिए एक महीने का समय दिया। डिगलीपुर का दौरा पूरा कर मुख्य सचिव हेलीकॉप्टर से पोर्ट ब्लेयर के लिए रवाना होने से पहले जिला उपायुक्त डॉक्टर एंजल भाटी चौहान और पुलिस अधीक्षक विचित्र वीर से मिले और उनसे विदा लिए।